इस मौके पर समाजसेवी सह प्रतिनिधि छोटन खान उर्फ रियासत नवाज खान ने बताया कि यह तिरंगा यात्रा निकालने का उद्देश्य भारत के आज़ादी के 75 पूरा होने का जश्न के रूप में अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि हर घर तिरंगा घर घर तिरंगा फहराने को लेकर ग्राम पंचायत विकोपुर सड़क पंचायत भवन से तिरंगा यात्रा निकाली, जो पूरा पंचायत भ्रमण करते हुए कोठी बाजार पर यात्रा पहुँचते ही दुकानदारों ने तिरंगा यात्रियों में शामिल होने लोगों को फूल बरसाकर उनका स्वागत किया। इस तिरंगा यात्रा में हजारों युवाओं ने भाग लिया। मौके पर मुखिया प्रतिनिधि छोटन खान ने इस तिरंगा यात्रा में भाग लेने वाले युवाओं को धन्यवाद दिया। इस तिरंगा यात्रा का काफी भीड़ देखी गई, जिससे प्रतीत होता है कि गया जिला की पहली ऐसी भीड़ किसी पंचायत में देखी गई है। आज की तिरंगा यात्रा का मुख्य उद्देश्य था आजादी का 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए, जो लोग कल 15 अगस्त को झंडा तोलन करेंगे, उसके लिए आज पूरा जागरूकता उसी के लिए फैलाने के लिए हम लोग हर घर तिरंगा फैलाने के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए तिरंगा यात्रा निकाली गई थी। आज जो बीकोपुर से निकली गंती पोखरा है देवरिया यात्रा छबैल सारी जगह घूमते घामते अभी कोठी में आई है, कोठी में आकर के अभी इसका समापन किया जा रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं यहाँ के नौजवानों को जो लोग इस रैली में शामिल हुए जो अपने घर से इसका देखे बहुत से लोग फूल बरसाए मैं उस सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं खासकर बीकोपुर पंचायत के नौजवानों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि इतनी बड़ी संख्या में निकल कर बता दिया कि तिरंगे की मोहब्बत हमें क्या है। वो तिरंगे की मोहब्बत को जताने के लिए देश के तिरंगे की जबकि पहचान को और आगे बढ़ाने के लिए पूरी दुनिया में इसका डंका बजाने के लिए जिस हिसाब से आज जयमसलाब उमड़ा, इसके लिए मैं यहाँ के नौजवानों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ, बहुत बहुत उनका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हम हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत, आइए हमारे साथ जुड़ने के लिए संपर्क करें।